बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक लास्ट टाइम हमारा डेटा था, उसके हवाले से टाइप्स ऑफ डेटा हमने डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक प्राइमरी डेटा। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। इसे डेटा को अगर आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, पहले किसी ने ये डेटा कलेक्ट नहीं किया, आप फर्स्ट हैंड डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हो, तो आपका ये डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है। फर्स्ट हैंड डेटा होता है, फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट करने वाले होते हैं, जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ऑब्जर्वेशन करके एनालाइज़ करके फिर आप रिज़ल्ट दे रहे होते हो, तो ये आपका डेटा जो मालूमात हासिल हो रही होती है आपको, ये प्राइमरी है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपकी थ्योरी में बाज़ दफ़ा कि प्राइमरी डेटा को आप किस किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कलेक्शन मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, हासिल करने के तरीके, कुछ 5 तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनियर, इन्वेस्टिगेशन थ्रू इल्यूमिनेटर्स, इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट वाला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको आपकी मालूमात जो है वो हासिल करने के लिए क्या करना होता है, ख़ुद पर्सनली जाकर उसको जो है वो सॉल्व आउट करना होता है और मालूमात को गेन करना होता है। यानी अगर आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कुछ तहकीकात कर रहे हो, कोई जांच पड़ताल कर रहे हो और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपने उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट अगर सॉल्व कर लिया अपनी कुछ मालूमात को यूज़ कर, तो वो मालूमात आपकी कहलाएगी कि आपने मालूमात को कलेक्ट किया किसके ज़रिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। देखिए लिखा हुआ है, द डेटा पर्सनली कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर ऑन द स्पॉट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स अंडर स्टडी। मालूमात, वो मालूमात जो आप ऑन द स्पॉट कलेक्ट कर रहे हो, तो कलेक्ट कर रहे होते हो पर्सनली जाकर आप कलेक्ट कर रहे होते हो, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपने मालूमात को कलेक्ट किया ऑन द स्पॉट, वो कहला रही है आपकी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब होता है तहकीकात करना, ठीक है जी। आगे चलते हैं आप, दूसरा पॉइंट इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो है वो इन्फॉर्मेंट्स, वो लोग जो आपको मालूमात दे रहे हैं, जो आपके ये मालूमात देने वाले लोग हैं, वो आपसे हेजिटेट होते हैं, घबराहट का शिकार हो रहे होते हैं और आपको मालूमात कन्वे नहीं कर पाते, अगर हम डायरेक्ट जाकर उनसे मालूमात कलेक्ट करें तो। अब होता क्या है, आप डायरेक्ट नहीं जाते बल्कि अपने कुछ पर्सन्स को भेज कर, थर्ड पार्टीज़ को भेज कर अपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मालूमात गेन कर रहे होते हो। कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, मालूमात कलेक्ट कर रहे हो बाय थर्ड पार्टी। अब डायरेक्ट नहीं कर रहे बल्कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपने मालूमात को हासिल किया, तो ये मालूमात कहलाएगी आपकी मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का, कि आपने इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेट किया थर्ड पार्टी को भेजकर। और अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो, डायरेक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट मेथड होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, खुद जाके कलेक्ट किया मालूमात को और किसी के ज़रिए कलेक्ट करवाया। ये 2 बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनियर। अब ये क्वेश्चनियर क्या है, इसका मतलब होता है सवालनामा, एन इंक्वायरी फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आंसर आर रिक्वायर्ड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक पेपर बना लेते हो, एक इंक्वायरी पेपर आपके पास होता है, एक पीस ऑफ पेपर आपके पास होता है, उसमें बहुत सारे सवाल जो है लिखे हुए होते हैं, जो मालूमात आपको चाहिए होती है आप उनके सवाल बनाकर एक पेपर पर इंक्वायरी की सूरत में लिख देते हैं। इंक्वायरी मतलब सवाल जवाब करना, ठीक है जी। तो सवाल आपने एक पेपर पर लिख दिए, वो पेपर कहलाएगा आपका क्वेश्चनियर। अब सवाल कैसे होना चाहिए, सवाल जो है वो रिलायबल हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग ना हो, लेंथी ना हो, वरना पढ़ने वाला क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। रिलीवेंट बात करनी है आपने क्वेश्चनियर में, जो सवाल आपने पूछना है वो रिलीवेंट हो, इररिलीवेंट सवाल आपने नहीं पूछने, वरना पढ़ने वाला आपको करेक्ट मालूमात प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन जितने कम हो, कम से कम क्वेश्चन में अपनी सारी मालूमात को आपने लेना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे रीड करने वाला, आंसर देने वाला, उतना ही जो है वो घबराहट का शिकार हो रहा होता है, बोर हो रहा होता है और जो है वो आपके क्वेश्चन के सही आंसर नहीं दे पाता। तो ज़रूरी है आपके सवालनामे को, आपके क्वेश्चनियर को शॉर्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, और आपका जो पॉइंट है उसको आपने मालूमात जो कन्वे करना है, आप बस टू दी पॉइंट बात करें। तो ये बात हो गई कि आपने मालूमात को हासिल किया थर्ड मेथड के ज़रिए
क्वेश्चनेयर के ज़रिए। आपका क्वेश्चनेयर यस और नो पर हो तो ज़्यादा बेहतर जो है वो सवालनामा होता है कि जो पढ़ने वाला होता है सिर्फ टिकी लगाना होता है कि यस या फिर नो। ठीक है जी, तो सवाल इस तरह भी आप यस नो की कंडीशन में भी अपने सवालनामे में ऐड कर सकते हैं अपनी मालूमात को हासिल करने के लिए। तो ये थर्ड मेथड हो गया इन्वेस्टिगेशन का, क्वेश्चनेयर का। आप आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने असाइनमेंट में शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चनेयर के हवाले से। क्वेश्चनेयर क्या है, किस तरह का इसे होना चाहिए और क्यों बनाते हैं हम क्वेश्चनेयर, इसका आंसर आपने मुझे देना है अपने असाइनमेंट में। तो सारे एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। क्वेश्चनेयर क्या है, सवालनामा है जिसमें सवालात लिखे हुए होते हैं और हम क्यों बनाते हैं इसे, अपने प्राइमरी डेटा को हासिल करने के लिए। और इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, कुछ तो मैंने डिफाइन कर दिया आपको। रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, यस और नो में जो है सवाल होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी इसके पॉइंट कुछ बुक्स में भी हैं और जो आपको मैनुअल मिलेगा उस मैनुअल में भी आपके सवाल जो है क्वेश्चनेयर के पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट तो मौजूद है ही आप लोगों के पास। फिर आगे चलते हैं, फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन थ्रू इल्यूमिनेटर्स। अब ये इल्यूमिनेटर्स क्या होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जिन्हें हम खास ट्रेन कर रहे होते हैं प्राइमरी डेटा को हासिल करने के लिए। लिखा हुआ है मैंने, दैट ट्रेन इल्यूमिनेटर्स आर अपॉइंटेड। कुछ पर्सन को हमने अपॉइंट किया जो कहला रहे हैं इल्यूमिनेटर्स। कौन होते हैं, ट्रेंड लोग हैं, सीखा हुआ लोग, इन्होंने जो है काम जो है वो सीखा हुआ है, सीखे हुए लोगों को हमने हायर किया जो ट्रेंड है। और हायर करने के लिए बात क्या किया हम लोगों ने, इन्फॉर्मेंट्स, मतलब जो लोग सवाल के आंसर दे रहे होते हैं, जो सवालात के जवाब देते हैं वो इन्फॉर्मेंट्स कहलाते हैं, या फिर जो मालूमात दे रहे होते हैं, मालूमात देने वाले लोग। ठीक है जी, अभी इल्यूमिनेटर्स करते क्या हैं, अपॉइंट करने के बाद ये जाते हैं इन पर्सन के पास, इन्फॉर्मेंट्स के पास, और फिर इनसे क्वेश्चनेयर सॉल्व करवाते हैं। मतलब बेसिकली मालूमात ही ले रहे होते हैं, प्राइमरी मालूमात को जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उस मालूमात को क्या करते हैं, आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं आंसर रिकॉर्ड करवा के, एंड हेल्प इन रिकॉर्डिंग द आंसर। और हमें आंसर को जो है वो हासिल करने में, जवाब अपनी मालूमात को हासिल करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है इल्यूमिनेटर्स के ज़रिए। अब आगे चलते हैं लास्ट मेथड पर, इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। ये भी एक मेथड है प्राइमरी डेटा को हासिल करने का। इसमें क्या होता है, एजेंट, नाम सुना होगा आपने, एजेंट वो लोग होते हैं, थर्ड पार्टी होती है जो आपकी किसी भी काम को कलेक्ट करने में, किसी भी काम को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होती है। लाइक आपको जो है वो अगर घर बेचना है तब भी आप एजेंट के ज़रिए जो है काम करवा सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ लोकल कोरिस्पोंडेंट्स और कुछ एजेंट को आपने क्या करना होता है, प्राइमरी डेटा के लिए यूज़ करना होता है, ताकि उनके ज़रिए, उन पार्टीज़ के ज़रिए, थर्ड पार्टी ही हैं बेसिकली भी हमारे पास, तो इनके ज़रिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टली जो है कलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी प्राइमरी डेटा को। एजेंट एंड लोकल कोरिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कलेक्ट एंड टू सेंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बाई यूजिंग देयर ऑन जजमेंट। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर लोकल कोरिस्पोंडेंट्स क्या होते हैं, जो आपके सब वर्कर्स जो होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं आपके साथ मिलकर, जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं काम को करवाने में, उन लोगों को हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, काम सिखा दिया काम करना किस तरह है। अब वो हमें क्या कर रहे हैं, लोकल सोर्सेज के ज़रिए क्या कर रहे हैं, मालूमात हासिल कर दे रहे हैं और हम उस मालूमात को फिर यूज़ करते हैं अपने पर्पज़ के लिए। तो ये था कुछ 5 मेथड हमारे पास प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। खुद जाकर मालूमात लेना, किसी के ज़रिए मालूमात जो है कलेक्ट करवाना, क्वेश्चनेयर के ज़रिए मालूमात लेना, इल्यूमिनेटर्स ट्रेंड पर्सन को हायर करके मालूमात लेना, और लास्ट वाला लोकल सोर्सेज, एजेंट या फिर अपने लोकल कोरिस्पोंडेंट पर्सन के ज़रिए मालूमात को हासिल करने के 5 मेथड। ये ख़त्म होता है हमारा टॉपिक यहाँ पर प्राइमरी मेथड कलेक्ट करने का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सेकेंडरी डेटा किस तरह कलेक्ट करते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।